मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मैं फ्रंट में बैठ चुकी हूँ, यहाँ से व्यू एक नंबर आता है, तो अभी मैं जा रही हूँ। ऐसी चलाना है आराम से, काफी मजा आ रहा है। साइकिलिंग कर रही हूँ मैं, यहाँ से व्यू काफी अच्छा लगता है और मस्त यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। जब आप यहाँ पे मस्त अलग से गेट भी बना हुआ है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और ये पूरा एक हाउस के जैसे है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ अंटार्कटिका सी वर्ल्ड, जो कि नया रायपुर में है और यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, एडवेंचर है बहुत सारा। तो अभी फिलहाल मैं खुद जा रही हूँ अंदर एक्सप्लोर करने के लिए और आपके साथ भी शेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जब भी आप एंटर करते हैं तो आपको इतने सुंदर सुंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेड़ मिलेंगे, मतलब ग्रीनरी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको पार्किंग का स्पेस मिल जाता है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। इस तरफ जैसे फोर व्हीलर पार्क है, ये है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड का एंट्री गेट, यहाँ से अभी फिलहाल हम एंट्री करने वाले हैं। पूरे एंट्री वाले रूट पे काफी अच्छी खासी ग्रीनरी है, इधर भी देख सकते हो काफी सारे प्लांट्स लगाए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे है टिकट काउंटर, जैसे ही आप एंट्री करते हो उसके बाद यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। बाहर से टिकट काउंटर है और अंदर से रिचार्ज है, यानी बाहर से टिकट लेके आप एंट्री कर सकते हो, उसके बाद जब और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए रहेगा तो और एक्स्ट्रा रिचार्ज करके आप अदर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ कुछ मर्चेंडाइज है, मतलब अगर आपको कुछ खरीदना है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से रिलेटेड तो वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे है चेंजिंग प्लस रेस्ट रूम, जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है तो आप पानी में भीग भी सकते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो। और ग्रीनरी तो इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, सब जगह पेड़ लगे हुए हैं, इधर भी ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। मस्त सिटिंग अरेंजमेंट भी है तो आप आराम से बैठ भी सकते हो पेड़ की शेड में और सामने से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। और ये पूरा पानी है, उस पर सारी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे भी मतलब सीटिंग अरेंजमेंट है, आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। और इस तरफ चौपाटी लगती है जो कि शाम को स्टार्ट होगी, अभी नहीं हुई है, जब शाम को स्टार्ट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अंटार्कटिका सी वर्ल्ड में एंट्री करना बिल्कुल भी फ्री है, आप आराम से आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जो है ये पानी के ऊपर ही बना हुआ है, इधर पे देख सकते हो ये पूरा लकड़ी है और इधर पे पूरा पानी दिख रहा है, यानी जितना भी पूरा ये सी वर्ल्ड है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड पूरा पानी के ऊपर बना हुआ है। और ऊपर ये देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर लाइट्स लगी हुई है, तो जैसे ही शाम होगा ये सारी लाइट्स ऑन होगी तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले आपको ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी बोट मिलती है, इस बोट को एज अ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, मतलब आप यहाँ पे सेल्फी खिंचा सकते हो। और मुझे तो लगता है कि ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का जो बोट है वैसा टाइप का कुछ लुक दिया गया है। इधर पे ये चलाने वाले बोट को चलाने वाला भी बना हुआ है यहाँ से, अरे वाह, ये रोटेट भी होता है, तो मतलब मस्त आप यहाँ से बोट भी चला सकते हो और यहाँ पे खड़े होकर फोटो भी खिंचा सकते हो बीच में। और इधर पे कुछ कुछ ऐसा ऐसा लुक दिया गया है और यहाँ पे ऐसा सीढ़ी बनाया गया है, सीढ़ी से आप नीचे आ सकते हो। और यहाँ पे बारूद फेंकने वाला भी बना हुआ है, मतलब काफी अच्छा है। कुछ कुछ यहाँ पे चेयर्स रखी हुई है जिसपे आप मस्त आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हो व्यू। और व्यू तो कितना प्यारा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब सारा पानी के ऊपर बना हुआ है, अलग अलग सेक्शन में पूरा डिवाइड है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड। तो सबसे पहले जो है वो है ऑब्स्टिकल कोर्स, यानी कि हर्डल वाले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। थोड़ा बहुत अगर आपको स्विमिंग आता है उसके बाद आप इसको कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे हर्डल्स है यहाँ पे देख सकते हो, ये सब आपको क्रॉस करना रहता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर पूरा ऐसा क्रॉस करके आपको लास्ट तक जाना रहेगा और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आना रहेगा। तो ये क्या है, पूरा 40-45 मिनट्स लग जाता है। अगर आपको, आप नॉर्मल पर्सन हो, आपको उतना ज़्यादा स्विमिंग नहीं आता, तो इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। और अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो, आपको स्विमिंग आती है, तो आप इसको आधे घंटे के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे हर्डल्स है, उसको सबको क्रॉस करते करते बैलेंस के ऊपर आपको जाना है और पूरा ऐसा घूम फिर के आना है। ये सबको ऐसा सपोर्ट दे के बांध बांध के रखे हैं, वरना ऐसे ही सब भाग जाएंगे, तो इसलिए सबको बांध के रखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्क है वो है H2O प्ले पार्क, यानी किड्स एरिया है यहाँ पे। मतलब इधर पे अलग से एक सेक्शन बनाया गया है जिसमें बच्चे घूम के एंजॉय कर सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे बड़े जो भी करना चाहें वो सब कर सकते हैं, उनके लिए ये अलग से ऐसा बनाया गया है। बच्चों के लिए ये मस्त बैलून वाली बोट है, मतलब इसमें कछुआ है और बतख है, इस पे
बच्चे आराम से जाके ये वाला जो पानी का एरिया है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बोट है, बच्चों के लिए ही बोट है ये सारी। ये एक सेक्शन है ट्रैम्पोलिन पार्क करके सेक्शन है, यहाँ पे जो नॉन मोटराइज बोट रहती है जो मोटर से नहीं चलती है और बच्चों के लिए रहती है वो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो ये अलग अलग बोट है, ये एक्वा रोलर है, मतलब बैलून टाइप का पूरा मुझे बड़ा सा दिख रहा है और पानी के बीचों बीच है। इसमें मतलब बच्चे जा सकते हैं, तीन बच्चे जा सकते हैं और बड़े भी जा सकते हैं दो, और ये पानी के ऊपर ही ऐसा रोल करते रहेगा, आप उसके अंदर जाके ऐसे मस्त घूम सकते हो। भैया बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। मैम ये हमारी इसकी है पर्सनल वाटर क्राफ्ट, इसका है नाम। अच्छा, है अच्छा, एक राउंड होता है एडवेंचरस राइड है मैम। अगर आपको भीगना है हाँ, तो आपको पूरा तरह से भिगा के भी लाएगा, भीगना है तो नहीं भिगाएगा आपकी हाँ, मर्जी रहेगी उसमें। हाँ, हाँ, एक लंबा राउंड होगा, लंबा राउंड पूरा ऐसे घुमा के लेके आएंगे है ना मैम। ये स्पीड बोट है हमारी, तो इसमें 7 से 8 लोग तक की कैपेसिटी है मैम। हाँ, हाँ, एक राउंड होता है हमारा हाँ, पूरा लेक का एक राउंड मार के आएगा। अच्छा पूरा लेक है ना, इतना हाँ, बड़ा वाला लेक है ना। प्लेन करेगा हाँ, यहाँ पे जो चीज है जैसे कि सीएम हाउस है हाँ, और इधर विलास है उसके हाँ, बारे में आपको डिटेल देंगे ऑपरेटर हाँ, फोटो वीटो के लिए थोड़ी देर के लिए रोकेंगे उधर। हाँ, 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 बोट है मैम, ये भी स्पीड बोट ही है हाँ, इसपे दो लोग जाएंगे, कपल्स रहेंगे तो भी जा सकते हैं। इसका भी स्पीड बोट है, अच्छा थ्रिल मजा आता है मैम इसपे भी। 8 से 10 लोग तक की कैपेसिटी है हाँ, एकदम स्लो बोट है, आराम से चलेगी हाँ, जर्क नहीं होगा, आराम से चलेगी। विक्सुन पोंटून बोट नाम है मैम। सेंटर में एक टेबल भी लगा हुआ दिख रहा है मुझे, ऐसे पार्टी वार्टी सेलिब्रेशन होता है क्या? हाँ जी मैम, अगर बर्थडे के केक हाँ, वगैरह काटना है हाँ, तो बीच में वो टेबल दिया हुआ है उस पे आप केक काट कर सकते हो। तो अभी मैं जेट स्की ट्राई करने वाली हूँ, भैया गिरूंगी तो नहीं ना पानी नहीं, में? नहीं, नहीं गिरेंगे मैम, आइए आराम। जय माता दी, ओह माय गॉड, यहाँ पकड़ना है जी। और यहाँ पे भैया पकड़ो, आप पकड़ोगे जी जी। ओह अभी फिलहाल हम ये जेट स्की करके आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस ट्रिप था। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं क्राउन प्रिंसेस में, ये हाई स्पीड बोट है, जाना है इजी वे में। ये भैया है जो यहाँ पे चलाते हैं बोट को, हाई स्पीड बोट में चलाते हैं भैया। भैया कहाँ से हो आप? असम से है भैया, हाई स्पीड बोट चलाएंगे अभी और मैं फ्रंट में बैठ चुकी हूँ। यहाँ से व्यू एक नंबर आता है, पूरा सेंटर में आ चुकी हूँ और पानी देख सकते हो कितना स्पीड में चल रहा है और इतना मस्त मजा आ रहा है। पानी के पास आने के बाद मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से देखो नजारे कितने सुंदर लग रहे हैं, सनसेट भी हो रहा है। ये एक बनाना राइड है जो कि यहाँ का यूनिकनेस है, मतलब इस बनाना में आपको बैठा के लेके जाएंगे। पहले तो इस बोट को इस बोट के साथ लेके जाएंगे, ये हाई स्पीड बोट है, इधर पे देख सकते हो ये काफी बड़ी सी बोट है। इस बोट में ना आप इसको इस बनाना को लेके जाएंगे और आपको इसमें बैठाएंगे, फिर ले जाके पानी में ही आपको मस्त डुबो देंगे, अगर आपको तैरना आता है तभी। अगर तैरना नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। एक बनाना है और एक है गैलेक्सी ट्विस्टर, इसको भी सेम एज इट इज वैसे ही लेके जाएंगे। और अगर आप पानी में कंफर्टेबल है, आपको मजा आता है पानी में, तो आप आराम से इसमें जा सकते हो। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और जाके एंजॉय कर सकते हो। ये 2-सीटर एडवेंचर क्या आके मैम, एक राउंड होता है कयाक करना है मैम, चप्पू से ऐसा रोइंग करना है, ऐसा रोइंग करना है, लेफ्ट राइट मारते रहना है। इसमें दो लोग तक जा सकते हैं और सिंगल वाली भी है हमारे पास। अच्छा वो वाली सिंगल है और सिंगल है, ये डबल है, ये डबल है, ये सिंगल है। अभी मैं ये वाली ट्राई करके देखती हूँ एक बार। बैठिए, कोई बात नहीं, पकड़ सकते, कंधा वगैरह पकड़ सकते हैं और स्ट्रेट मैम। ये देखिए, ये चप्पू यहाँ पे पकड़ना है आपको, हाँ, रोल नहीं करना है, हाँ, लेफ्ट मारेंगे तो राइट जाएगी, हाँ, राइट मारेंगे तो लेफ्ट जाएगी, ये वाली अपोजिट डायरेक्शन जी, अपोजिट डायरेक्शन, कोई भी एक तरफ टर्न मारना है ऐसा, 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 ऐसा। राइट मारना है आपको तो कंटिन्यू लेफ्ट मारते रहे, ठीक है, ठीक टर्न होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, ऐसी चलाना है आराम से, थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे लेकिन है इजी, काफी इजी है। टेक्निक तो मैं सीख गई हूँ, काफी मजा आ रहा है। मैं साइकिलिंग वाला कर रही हूँ, ये भी सिंगल है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो सिंगल। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे, कैसे करना है भैया? मैम नॉर्मल साइकिल की तरह चलाना है, साइकिल पीछे नहीं जाती पर ये साइकिल जाती है पीछे भी। अच्छा पीछे भी जाती है, ओके ओके,
पैडल है खाली, हाँ। वो रिवर्स मारने से पीछे भी जाएगी, और ये हैंडल है आप जिस तरफ भी टर्न करेंगे वो जाएगी, ठीक है। चलिए पीछे की ओर पैडल कीजिए मैम आराम से, वेरी गुड, और करते रहिए। साइकिलिंग कर रही हूँ मैं, साइकिलिंग वाली बोट है ये, नीचे देख सकते हो मस्त बोट बना हुआ है, आप आराम से इसको पीछे भी ले जा सकते हो, फ्रंट में भी लेके जा सकते हो। ये वाला एक्वा साइकिल है, इसमें 2 पर्सन जा सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने एक वाला किया था, तो अभी भैया मुझे लेके जाएंगे इसमें, चलते है। पैडल है मैम, हाँ। रिवर्स मारने से भी रिवर्स जाएगी, पीछे जाएगी, और ये हैंडल है, हाँ। ये हैंडल है, हाँ। वो डायरेक्ट स्टीयरिंग का काम करेगा, और पीछे वाला चक्का, हाँ। वो स्पीड का काम करेगा। अच्छा, तो अभी हमको पीछे पैडल करना है मैम, हाँ, पीछे पैडल करना है, क्योंकि अभी हमको थोड़ा सा पीछे जाना है, उसके बाद उसको आगे करना है। सेलिब्रेशन डेक देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो है ये है एक सेलिब्रेशन डेक या हाउस बोट इसको बोल सकते हो, यहाँ से आप फिलहाल एंट्री करोगे, और स्टेयर्स है ऊपर भी है सिटिंग अरेंजमेंट, बट अभी फिलहाल मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मस्त अलग से गेट भी बना हुआ है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, और ये पूरा एक हाउस के जैसे है, इसीलिए इसका नाम हाउस बोट है, और ऑलरेडी यहाँ पे किटी पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, इस रीजन से ऐसे बैलून्स पूरे रखे हुए हैं, केक वेक भी है, क्योंकि आप इसको बुक कर सकते हो, मतलब अगर आपको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है या फिर किटी पार्टी ऑर्गेनाइज करना है तो आप इसको बुक कर सकते हो हाफ एन आवर के लिए, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए बुक कर सकते हो। कितना मस्त है देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कर्टन्स लगा हुआ है, और इधर से पूरा व्यू दिखता है बाहर का, देख सकते हो पूरा लेक दिख रहा है, और इधर भी पूरा लगा हुआ है कर्टन। हाउस के जैसे है, हाउस बोट नाम है तो वॉशरूम कैसे नहीं हो सकता, तो ये वाला जो पार्ट है ये वॉशरूम का पार्ट है, आप यहाँ पे पूरा अंदर से जा सकते हो, और अभी यहाँ पे पूरे बैलून्स रखे हुए है, अच्छा खासा वॉशरूम है, पूरा मिरर लगा हुआ है बड़ा सा, और बेसिन है, सब चीज है, कर्टन है पूरे, और इधर से व्यूज है, चेयर्स है, सोफा है, और इस तरफ एसी टीवी हर एक चीज है यहाँ पे। तो हाउस बोट के ऊपर ऐसा स्टेयर से चढ़ चढ़ के आप ऊपर भी आ सकते हो, यहाँ से व्यू काफी अच्छा लगता है, और मस्त यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, जब आप हाउस बोट बुक करते हो तो इसपे मस्त केक वेक कटिंग कर सकते हो, कितने मस्त चेयर सुंदर सुंदर लगे हुए है, और यहाँ से व्यू देख सकते हो, व्यू कितना सुंदर आ रहा है, इधर पे देख सकते हो पूरा अंटार्कटिका सी वर्ल्ड का व्यू आ रहा है, अलग अलग प्लेसेस सब चीज, अभी लाइट्स जल गई तो और भी काफी सुंदर लग रहा है। रात को लाइट होने के बाद यहाँ पे म्यूजिक लाइट सब ऑन हो जाता है, एडवेंचर लगून है देख सकते हो इस तरफ वाला सेक्शन, और ये फोटो वाला सेक्शन है, और बाकी पूरे यहाँ पे लाइट्स ऑन हो चुका है, तो लाइट्स ऑन होने के बाद ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे तो अंटार्कटिका सी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैं दोपहर में आई थी और अभी शाम रात तक, मतलब अभी तक मैं एंजॉय कर रही थी, काफी मजा आया। और अगर मैं लोकेशन बताना चाहूँ तो लोकेशन है अंटार्कटिका सी वर्ल्ड मे फेयर लेक रिजॉर्ट के पास, गेट नंबर 3 से आप एंट्री करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे पहुंचेंगे, और एंट्री फ्री है, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे उसका चार्जेस रहता है, स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज रहती है उसका चार्ज 300 रुपीज से स्टार्ट होता है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे, और पैकेज में भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप पूरे फैमिली एक साथ आओगे तो आप पैकेज ले सकते हो, और पैकेज लेने के बाद 6 घंटे तक आप अनलिमिटेड एंजॉय कर सकते हो, ये वाला भी पैकेज है, आप आके टिकट काउंटर में भैया लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हो और मस्त एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।